भाई की तरह लगा लो, ऊपर से आएगा कुछ। सुन अबे यही टूट गया पूरा। हाँ गाइस दिस इज राइड ऑन रोड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस है आज, और हम लोग एक राइड पे निकले हैं। एक्चुअली ये कोई प्लान राइड नहीं थी, सुबह 9 बजे प्लान बना हम लोगों का, अभी हो गया है 12। हम लोग जा रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर। तो मेरे साथ हैं प्रिंस एंड प्रदीप भाई। तो प्रदीप का यूट्यूब चैनल है पहाड़ी ब्लॉगर प्रदीप करके, सो पहाड़ी कल्चर पे एंड मोटर ब्लॉग पे वीडियो बनाते हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं उनका यूट्यूब चैनल, जाके देखो, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। एंड अभी हमें गगास बगवाली पोखर वाली रोड पे, एंड आज मौसम खुल गया है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो हम लोग निकल गए हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, मौसम आप देख सकते हैं एक नंबर मौसम हो रहा है, बादल आ रहे हैं, शाम तक शायद बारिश हो जाए, बट फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली है एंड थोड़ा गर्मी है। ये बारिश के टाइम पे नज़ारे एक से एक देखने को मिलते हैं, व्यू देख सकते हैं सामने का कितना सही व्यू है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सोमेश्वर कौसानी बागेश्वर कपकोट होते हुए, हम लोग कपकोट के आसपास रूम लेंगे एंड वहाँ से हम लोग निकलेंगे ट्रैक पे। सो आई थिंक 20 या 22 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 4 से 5 दिन का ट्रिप है टोटल। बिंता क्रॉस कर लिया हम लोगों ने एंड अभी हम लोग हैं सोमेश्वर वाली रोड पे, सोमेश्वर कौसानी वाली रोड पे, एंड यहाँ से बिंता है, सॉरी यहाँ से सोमेश्वर है 20 किलोमीटर के आसपास, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है एंड हो सकता है आगे हमें बारिश मिले, बट फिलहाल काफ़ी अच्छा है। एंड प्रदीप भाई आगे चले गए हैं, इस बार मैं अपने सैडल बैग नहीं लाया हूँ तो थोड़ा टेंशन हो रही है मुझे कि रस्सी वस्सी खुलने की, बट फिलहाल ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड लोध यहाँ से है 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे रुके हैं अपने प्रदीप भाई। अरे अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो। तो अभी हम लोग लोध पहुंच चुके हैं एंड विधानसभा सोमेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत है। एंड जो ये ढाबा है यहाँ पे पहाड़ी खाना इतना तगड़ा बनता है भाई साहब, मतलब बहुत सही यहाँ पे, मतलब यार सिर्फ पहाड़ी खाना मिलेगा आपको। एंड मेरे ख्याल से सुबह के टाइम मतलब 12-1 बजे तक खाना पूरा ख़त्म हो जाता है। सो एक दिन आने की मैं प्लान कब से कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आ नहीं पा रहा हूँ। सो एक दिन आएंगे इधर एंड देखेंगे कैसा है खाना, टेस्ट करेंगे यहाँ का खाना भी। एंड यहाँ पे चाय के बागान हैं नीचे, ये सारे चाय के पेड़ हैं। सो यहाँ का जो ब्लॉग मैंने लास्ट बनाया था अपना, वो शायद 2017 या हाँ 17 में है शायद, जब मैं कौसानी गया था एंड उस वीडियो पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों का। एंड रोड और दोनों साइड धान के खेत, एक नंबर। तो ये है सोमेश्वर मार्केट। हाँ नहीं यही रोड है। सो ये है अल्मोड़ा वाली एंड आगे कौसानी वाली, एंड हमें इस रूट पे जाना, हम लोग सीधे बागेश्वर वाली रोड पे निकल रहे हैं। ये जो सीधे जाएगी ये आगे बागेश्वर जाती है एंड प्रिंस भाई गए हैं तेल भराने। सो यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास कम हो जाएगा, सुनने में तो यही आया है। सो ये है कोसी नदी, सोमेश्वर तहसील 1 किलोमीटर, तो ये तहसील वाली रोड है, सोमेश्वर की तहसील इस रोड में है। ओके ये डायरेक्ट बागेश्वर मिलती है ये रोड, तो ये रोड में तो पहली बार आ रहा हूँ मैं भी, कोई आइडिया नहीं है मुझे इस रोड का क्या है कैसी है।
सो सोमेश्वर तहसील ये यहाँ यहाँ पे है। बहुत अलग है यार, मतलब काफ़ी दूर है मार्केट से, और जिस हिसाब से ट्रैफिक भी नहीं है इस रोड में, तो मतलब आने जाने में लोग को दिक्कत होती होगी। अरे वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी मज़ेदार है। डोगरा 2 किलोमीटर, अरे 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 अरे, एक और वाटर क्रॉसिंग। एक्चुअली ये काफ़ी मज़ेदार। सो यहाँ से बागेश्वर सिर्फ 30 किलोमीटर है यार, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। तो ट्रैफिक बहुत कम है इस रोड पे। एक चीज़ जो फ़ायदा है वो यही है कि ट्रैफिक इस रोड पे नहीं है। ट्रैफिक जो मेन है आपका कौसानी गरुड़ वाले हाईवे पे चलता है, फल्याटी यहाँ शायद फल्याटी था। तो ट्रैफिक सारा उसी रोड पे है। इस रोड पे बहुत कम आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। टाइम 2:30 हो गया है एंड भूल गाँव 1 किलोमीटर। गाँव के नाम यहाँ पर बहुत भयंकर भयंकर हैं, तो ये है भूल गाँव। अरे रोड ख़राब है, पता नहीं आगे कैसी रोड है। अब मेरे ख्याल से ये ऐसी ही रोड आ गया। अब सोमेश्वर से 6-7 किलोमीटर आगे तक रोड बहुत सही है, बट अब आगे ख़राब है रोड पूरी। आगे पता नहीं और आगे कैसी है, बट बीच में तो ख़राब है रोड। तो अभी हम लोग हैं गिरो छिना पे एंड रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लोप है नीचे को रोड पर, एंड हमें वहीं जाना है उस पार। एंड सामने जो देख सकते हैं आप कितना सही व्यू है, मतलब पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, छोटे छोटे गांव, एंड रोड की हालत ऐसी है इधर। अरे 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 अरे, बागेश्वर यहाँ से 22 किलोमीटर के आसपास है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस रोड पर, क्योंकि मैं भी इस रोड पर पहली बार आया हूँ, तो मेरे लिए भी सब चीज़ नहीं है। सो कोई फिक्स प्लान नहीं है हमारा, आज कहाँ जाना है, कितना कहाँ पे रुकना है, क्या है। सो हम बस फ्लो के साथ बहते जा रहे हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। ये ट्रिप तो मेरा तो ऐसी ही है ट्रिप की, जो होगा देखा जाएगा, जहाँ किस्मत ले जाएगी आज के दिन, क्योंकि कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इस ट्रिप में। सो एक हिसाब से ये फुल एडवेंचर है। बागेश्वर 15 किलोमीटर है, धारी 5 किलोमीटर। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग हैं धारी पे एंड यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास और होगा, कितना 20 होगा ना बागेश्वर, 15-20 किलोमीटर होगा अभी यहाँ से बागेश्वर। एंड बागेश्वर के बाद हम कहाँ, बागेश्वर के बाद कपकोट। बागेश्वर से हम आज कपकोट में स्टे करेंगे ना, कपकोट में आज हमारा स्टे। ये हमारे प्रिंस भाई हैं, हेलो फ्रेंड्स, एंड प्रदीप भाई उधर पानी पी रहे हैं। तो यहाँ से निकलते हैं अभी हम लोग, थोड़ा रुके थे रेस्ट करने के लिए, एंड चलो रोड पर मिलता हूँ। तो अभी हम लोग धारी से आगे आ चुके हैं एंड रोड की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसी है, बट मज़ा आ रहा है। एंड आगे मौसम ख़राब है, कंफर्म है, अब आगे हमें बारिश वारिश मिलेगी, कष्ट के लिए खेद है। यहाँ से बागेश्वर 12 किलोमीटर है, सो ज़्यादा नहीं, बट बागेश्वर से कपकोट है 33 किलोमीटर, एंड उसके बाद हमें जाना है आगे। और कपकोट के आगे वाला रास्ता पता नहीं कैसा है। एंड हम लोग आ चुके हैं बागेश्वर में। सो ये बागेश्वर है एंड आई थिंक ये सरयू नदी है। तो ये पूरा एरिया बागेश्वर का है। एक्चुअली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ पे हैं बागेश्वर के, एंड आई थिंक वो पुल क्रॉस करना है हमें। कपकोट के लिए कौन सा है, कपकोट हाँ ये वाला है हाँ। सो ये है सरयू नदी एंड मेरे ख्याल से आज 15 अगस्त की वजह से पूरी मार्केट बंद है। हाँ यही है। तो ये है सरयू नदी। पिंडारी यहाँ से 81 किलोमीटर है और हम लोग बागेश्वर से आगे निकल चुके हैं
एंड अब रोड आगे बहुत बढ़िया है कपकोट तक, कपकोट से आगे मुझे नहीं पता। तो कपकोट यहाँ से 10 किलोमीटर है एंड मौसम ख़राब होने लग चुका है। यहाँ पे बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आ रही हैं अब रास्ते में। तो रोड्स काफ़ी अच्छी हैं एंड बगल में है सरयू नदी एंड सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना सही है। ये देखो एक और वाटर क्रॉसिंग आई। वाटर क्रॉसिंग बहुत तगड़ी थी, बारिश शुरू हो गई है और हल्की हल्की बूंदें चालू हो गई हैं गिरना। हम लोग शायद कपकोट मार्केट में नहीं गए हैं, कपकोट के बाहर बाहर ही हम लोग निकल गए हैं शायद से। हाँ शायद कपकोट के हम बाहर से निकल गए, हम लोग कपकोट मार्केट में गए ही नहीं हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। भराड़ी कपकोट नहीं है, भराड़ी है। तो अभी हम लोग भराड़ी से आगे निकल चुके हैं एंड भराड़ी में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, अब भी बारिश हो रही है एंड आगे और तेज़ बारिश है। तो यहाँ से खाती 35 किलोमीटर है बट रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी लोकल से पूछा हमने यहाँ पे। तो सो आगे देखते हैं कहीं पे रुकने का है। तो तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग आ रही है यहाँ पे। तो अरे यार फिर भीग गया सब। क्या हुआ? हाँ मुझे भी लगा था पहले दूर से वो मुझे भी झरना लगा था पहले। डैम है? अच्छा चलो चलो। सो टाइम 6 बज गया है एंड हम अभी फुलवाड़ी पहुंचने वाले हैं। तो सोच रहे हैं यहीं रूम लेने का क्योंकि अंधेरा हो गया है एंड मौसम ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है इधर एंड वाटर क्रॉसिंग तो यहाँ भर भर के हैं। जूते बहुत भीग रहे हैं यार। ये देखो एक और वाटरफॉल रोड पे। बाइक इधर लगा लो, ऊपर से आएगा कुछ। सुन अबे यही टूट गया पूरा। हाँ बादलों से। अबे यार टूट गया। वही तो मेन हो गया ना। ना तू वीडियो बना मैं तुम्हारी। हाँ लो बना। ये जो भी अच्छा है। ये और एक चीज़ है। गाना छोड़। इसको लगा। गाना मैंने लगा लिया। सुनो। अरे लगा लिया। चल। बस सही है लगा। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा भाई? फिर से बारिश चालू हो गई और रास्ता बहुत ख़राब है। सो शाम के 7 बज गए हैं, रुकने का देखते हैं आगे कहीं पे होटल वगैरह मिलेंगे। तो अभी फिर से बारिश हो गई थी इधर एंड रात के 7:30 हो गए हैं। कपड़े पूरे तरीके से भीग चुके हैं।
सो हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम खाती से 5 किलोमीटर पहले पेरेंट्स होटल है यहाँ पे, सो वहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग अभी। एंड हमने यहाँ पे रूम ले लिया, 600 रुपये का रूम पड़ा है हमें यहाँ पे, 3 बेड है एंड छोटा रूम है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है रूम, यहाँ पे 3 बेड हैं एंड ये हमारा सारा सामान है, ये सारा कैंपिंग का सामान हम लोगों ने रखा हुआ है, बाकी टेंट वगैरह बाहर है अभी। तो ये रूम हमें 600 का पड़ा है। इसके अलावा आपको कहीं और आगे मिलेंगे रूम, बट जब आप कपकोट भराड़ी से आगे निकलेंगे सो उसके बाद आपको यहीं पे रूम मिलेंगे। सो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कल के ब्लॉग में देता हूँ। एंड तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ और राइड अगेन, सो जाओ। और आपको कुछ बोलना है हमारे प्रदीप भाई? बिल्कुल ये बोलना है कि एडवेंचर बहुत ज़्यादा हो गया आज, तो इतना एडवेंचर काफ़ी है आज के लिए, बहुत मुश्किल से रूम मिला है, अब आगे का एडवेंचर करो।